एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केळकर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ जो कि महाराष्ट्र में है। आज हम छोटे बच्चों के बारे में फिर से बात करने वाले हैं और मैं आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि IQ जिन बच्चों का कम होता है उनके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो ये क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। एक तो है कि जेनेटिक, जिसको बोलते हैं जीन्स के द्वारा आते हैं ये लक्षण, और दूसरा है जो अक्वायर्ड है यानी कि डिलीवरी के बाद, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके वजह से IQ कम होता है। तो जेनेटिक कॉजेस काफ़ी है। जेनेटिक में डाउन सिंड्रोम एक बहुत कॉमन सिंड्रोम है जिसके बारे में काफ़ी जन को अवेयरनेस है। बाकी भी कई सारी बीमारियां जेनेटिक है जिसकी वजह से IQ कम निकलता है बच्चे का। तो एक जो है, जो मतलब जेनेटिक हिस्ट्री जो है, कोई भी फैमिली में अगर जेनेटिक हिस्ट्री है मेंटल रिटार्डेशन की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो उस फैमिली में थोड़े बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जब महिला का जब एज ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के वक्त, अगर 30, अबव 30, अबव 35, अबव 40 अगर एज होगा तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो एज है और एक जेनेटिक है, यानी कि फैमिली में अगर हिस्ट्री होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। दूसरी चीज़ है अक्वायर्ड, यानी कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जेनेटिक जो कॉजेज़ है दैट आर नॉट अवॉइडेबल, वो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट जो अक्वायर्ड कॉजेज़ है इस चीज़ इनके बारे में अगर अवेयरनेस बढ़े तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। अक्वायर्ड में जब प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और बच्चा पैदा होने के बाद के दौरान में अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो बच्चे का जो नॉर्मल IQ है वो कम हो सकता है। यानी कि अगर बच्चा नॉर्मल है पर अगर माँ को इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के वक्त, कोई प्रकार के रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ऐसे कई प्रकार के इन्फेक्शंस है जिनके बारे में जिनके वजह से IQ कम हो जाता है बच्चे का। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को इन्फेक्शन हुआ या फिर आजकल हायर सोसाइटीज़ में अल्कोहल इनटेक भी काफ़ी होता है महिलाओं में, हायर सोसाइटीज़ एज वेल एज़ मिडिल क्लास आजकल काफ़ी बढ़ गया है, तो इवन अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वजह से भी IQ कम हो सकता है बच्चे का। इन्फेक्शंस है, अगर महिला को कोई चोट पहुंचती है, अगर देर इज़ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल इंजरी के वजह से बच्चे का IQ कम हो सकता है ब्रेन डैमेज की वजह से। ये सब प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ें होती है उस वजह से IQ कम होता है। दूसरी चीज़ है डिलीवरी के वक्त, अगर डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई, प्रोलॉन्ग डिलीवरी हुई, हाइपोक्सिया हुआ, यानी कि बच्चे को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए डिलीवरी के वक्त, तो उस वजह से भी IQ कम हो सकता है। कई बहुत सारी फीमेल्स इंसिस्ट करती है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो अगर हद से ज़्यादा अगर इंसिस्टेंस में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो रहा है तो भी अगर उसके लिए ही हमने ट्राई किया तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरी चीज़ है अगर डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसके लिए वो और 1 to 5 years इज़ अ टाइम व्हेन द चाइल्ड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। उस दौरान अगर कोई इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन यानी कि मेनिनजाइटिस, इनकेफेलाइटिस ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है तो IQ कम हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को हेड इंजरी यानी कि बच्चा कहीं गिर जाता है हाइट से, थोड़ा बहुत नहीं पर काफ़ी हाइट से अगर गिर जाता है तो ब्रेन डैमेज, परमानेंट ब्रेन डैमेज की वजह से IQ कम हो जाता है। तो ये सारी कॉजेस है, इनमें से कुछ कॉजेस अवॉइडेबल है, कुछ कॉजेस अवॉइडेबल नहीं है। तो अवॉइडेबल कॉजेस जो है उस बारे में अवेयरनेस हो जाए, इसके लिए ये वीडियो है आज का। दूसरी चीज़ है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर किसी को हो गई है तो उसके लक्षण क्या है। तो लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल्स होते हैं। तो माइल्ड इज़ द मोस्ट कॉमन वैरायटी। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 85% जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनमें 85% लोगों को माइल्ड प्रॉब्लम होता है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं वो
एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, पर उनको थोड़ा ज़्यादा असिस्टेंस लगता है, ज़्यादा ट्रेनिंग लगता है, बट वो नॉर्मल एक ज़िंदगी जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, दे कैन डू अ जॉब, वो फैमिली अपनी बना सकते हैं, मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बाद में लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ थोड़ा असिस्टेंस लगता है, वो पढ़ाई में काफ़ी बार पीछे रह जाते हैं, फिफ्थ मतलब हायर सेकेंडरी में उनको प्रॉब्लम आती है, सिक्स स्टैंडर्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर फिर उनके लिए दूसरे करियर ऑप्शंस है जो प्रोवाइड किए जाते हैं, और पेरेंट्स ने जिनको जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनके पेरेंट्स ने ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको उनके बच्चे को क्या आ रहा है, क्या सीख सकता है, और उसके हिसाब से उसे आगे के करियर ऑप्शंस देने चाहिए। दूसरी जो टाइप है वो है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये बच्चे 15% बच्चे मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं, तो ये बच्चे भी नॉर्मल पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, पर वो काम कर सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, जब माता पिताओं को अवेयरनेस है और उनके सराउंडिंग लोगों को अवेयरनेस है, तो एक वो अपना खुद का ख्याल करके वो ज़िंदगी जी सकते हैं। उनका अपनी पढ़ाई में उतना प्रोग्रेस नहीं होगा, सेकंड स्टैंडर्ड के बाद उनको पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज आने लगती है, तो पढ़ाई में ज़्यादा प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उन बच्चों से, पर वो एक ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें वो खुद का ख्याल रख रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी वो ज़रूर जी सकते हैं। और जो बाकी की दो टाइप्स है, सीवियर और प्रोफाउंड, इनमें थोड़ा प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, 4% और 1% ऐसा उनका प्रेवलेंस है, तो काफ़ी पॉपुलेशन वाइज कम बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, पर जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। सीवियर जिनको है वो ट्रेनिंग के साथ सेल्फ केयर तक पहुंच सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, मतलब वो अपना खुद का ख्याल थोड़ा बहुत रखेंगे, वो भी काफ़ी हेल्प के साथ, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और उनके माता पिताओं को काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फेस करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी भर कोई ना कोई उन्हें उनकी हेल्प के लिए लगने वाला है, ये निश्चित है। तो ये सारी टाइप्स है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी के, और कुछ कॉजेज़ इसके हैं, ये वीडियो का मेन मोटिव है कि जो अवॉइडेबल कॉजेज़ है वो लोगों को पता चले और वो अवॉइड कर सके। हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं सलाह के लिए कि अब क्या किया जाए, तो इनके लिए काउंसलिंग, पेरेंट्स के लिए स्पेशली और बच्चों के लिए भी बिहेवियरल थेरेपीज, पेरेंटल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। हम यहाँ पे अकोला में प्रैक्टिस करते हैं, केड़कर हॉस्पिटल में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके जो एरिया में है उन साइकेट्रिस्ट है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ जानकारी देने वाली हूँ मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।